पर एक बात भाई, ये जो स्पाइडर प्लांट आप देख रहे हो, इसका जो ग्रोथ हुआ है ना, अनइमेजिनेबल अनइमेजिनेबल। देखो पत्ता, देखो भाई कितना बड़ा बड़ा। ओ माय गॉड, कितना छोटा, दो तीन स्पाइडर प्लांट्स मैंने क्या कर दिया। ओ भाई वो एक स्नेल है, तो हाँ क्लीन करके अभी घर में ले जाता हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट है तो हाँ घर का वायु क्लीन करता है, तो उसी लिए मैंने लगा रहा हूँ। तो चलिए शेयर करते हैं मेरा पेड़ों का हालत। ये सब तो नेक्स्ट लेवल है, होपफुली आज या कल घर के अंदर रख दूंगा। और आप सभी जानते हो ये पॉट में कुछ स्पाइडर प्लांट्स लगा था, पर ये मर जा रहा था उसी लिए तोड़ दिया। तो अभी ये जो कुलपो साग है, ये सब भाई नेक्स्ट लेवल शिकर निकला है। देखो बहुत दिन से जल के अंदर रख दिया था ना, अगर सब दिखाऊँ तो ये देखो बहुत सुंदर शिकर निकला है। ये बहुत ही हेल्दी एक साग है हीमोग्लोबिन के लिए, तो ये सब अभी इसमें बैठा देता हूँ। तो चलो ये सब में भी हाई निकला है, ये देखो। चलो तो मैं एक जादू मंत्र बोलूंगा और सब लगाना हो जाएगा, देखोगे। जीन टपाक डम डम टेन टेन, सब मैंने मस्त करके बैठा दिया है। देखो बहुत अच्छा एक साग होगा, बहुत ही हेल्दी एक फूड है। होपफुली पानी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें। सभी अच्छा करके रूट्स निकाला था तो अच्छा करके लगा दिया, और ये सब बैठा के रखा। ये और दिन कर लूँगा, मतलब मेरा जब पसंद का होता है ना तभी मैं करता हूँ। जैसे 10 रुपये का साग में ही आपका हो जाएगा, मम्मी बोल रहा था, मैंने कहा खुद से उगाने का एक अलग ही फीलिंग है। ये देखो मस्त करके लगा दिया सब हमारा नीरिन से, और यहाँ पे रख दूंगा मस्त करके। तो यहाँ तो मैं भी ना ये जो स्पाइडर प्लांट है, ये मैं भी मेरा घर में रख दूंगा, घर के अंदर, क्योंकि उस दिन बाहर था ना, पॉट में लगाया था उसी लिए। तो चलो, पर ये भाई नेक्स्ट लेवल लगाया मैंने। तो आज मम्मी ने मस्त बाधा गोभी किया था घंटों जैसा, और मैंने ये थोड़ा सा घूट दिया था कौड़ा में जाकर, और गरम मसाला भी दिया था, और यहाँ पे मस्त मूखी कोचू किया है और मछली के साथ मेरे लिए, तो मस्त खा लेता हूँ भाई। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बहुत हेल्दी है, बहुत कैल्शियम पाता हूँ। तो हाँ, और मैंने ये जो भाई क्या बोलूँ, स्प्रे ख़रीदा ना, ये भाई बहुत यूज़फुल है। और उसके साथ साथ ये जो टॉप खरीद के लाया था मम्मी और मैं जाकर, उसमें फुरुष प्लांट कुछ दिन बाद लगा दूंगा। पापा ने ऑलरेडी मिट्टी लेकर आया पाम्प से, पापा जहाँ पे काम करता है आप सभी जानते हो, तो मिट्टी थोड़ा सा सूख जाएगा, एक दो दिन बाद ही इसको लगा दूंगा। तो हाँ ये वाला बड़ा टॉप में ख़रीदा था मैं और मम्मी जाकर। तो अभी तो 4 बज रहा है शाम का समय, ये सब करने में अच्छा भी लगता है। और ये जो ख़रीदा था ना भाई, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो हमेशा से आप सबको दिखाया था एक वीडियो बनाकर सब ऑनलाइन ऑर्डर्स, तो स्पाइडर प्लांट भी इसके ऊपर ही बैठा हूँगा। चलो पर एक बात भाई, ये जो स्पाइडर प्लांट आप देख रहे हो, इसका जो ग्रोथ हुआ है ना, अनइमेजिनेबल अनइमेजिनेबल। देखो पत्ता, देखो भाई कितना बड़ा बड़ा। ओ माय गॉड, कितना छोटा, दो तीन स्पाइडर प्लांट्स मैंने क्या कर दिया। ओ भाई वो एक स्नेल है, तो हाँ क्लीन करके अभी घर में ले जाता हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट है तो हाँ घर का वायु क्लीन करता है, तो उसी लिए मैंने लगा रहा हूँ। यहाँ पे है प्लेट, 1 2 3 आ गया मेरा स्पाइडर प्लांट। भाई इसका जो ग्रोथ हुआ है ना, क्या ही बोलूं। आप जस्ट एक बार ऊपर से देखो, ओ भाई साहब वाव। रोद में रखा था ना हल्का शेड में, तो उसी लिए इतना सुंदर ग्रोथ हुआ है। अभी घर के अंदर रखूंगा तो ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तो ये जो ग्रोथ है इसमें ही स्टे हो जाएगा, तो इसीलिए इतना सुंदर हुआ। मेरा यही करने का इच्छा था। पत्ता देखो भाई कितना बड़ा बड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, मतलब दिस वन इज द बेस्ट, दिस वन इज बेस्ट। तो या थैंक यू स्वेटर प्लान। चलो अभी बाहर का सिचुएशन देखो, हमारा करेला पेड़, करेला पेड़ कितना सुंदर से हुआ है। पत्ता देखो भाई वाह, मैंने बेसिकली मुड़ा कर उठा दिया, और यहाँ पे मस्त हमारा नयनतारा गाछ का भी सुंदर एक हो रहा है शेप, मैं ही कर रहा हूँ। तो देखो इस तरह मेरा अनार का पेड़ में और एक फूल आया था, वो देखो ढक के रखा हूँ। इस तरफ हजारी गुलाब पेड़ में मस्त एक कूली आया है, तो इसलिए पॉट सुंदर से क्लीन कर दिया। तो ये देखो कूली आ रहा है सब, वाओ। मिर्ची का पेड़ में भी फ्लावर आ रहा है, ये सेकेंड बार होगा, एक साल पहले हुआ था, अभी हो रहा है फिर से। समझे थे कि नहीं होगा, पर हो रहा है। पर आज ना भाई बहुत जोर से बारिश आएगा मुझे लग रहा है। देखो
और हम लोग तो भाड़ा का घर में रहते हैं, तो इसीलिए मैं आउटडोर प्लान नहीं लगा पाता, तो इंडोर प्लान यही सबसे बेस्ट हुआ। और स्पाइडर प्लांट एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है, उसीलिए घर में तो ये लगाना एक होना बनता ही है। और एक बात, मैंने ये कहाँ से ख़रीदा नहीं है, ये मैंने एक छोटा सा पेड़ 2-3 लेकर आया था, उससे इतना बड़ा किया है, आप सभी जानते हो। तो या चलो, तो मैं एक रिएक्शन वीडियो का एडिट कर रहा था, एडिट डन, उसके बाद रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहा था, मेरा बहुत फेवरेट है, तो इतना दूर ख़त्म किया, बहुत दिन से ही पढ़ रहा हूँ, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे एक लाइन है जो मुझे अच्छा लगा कि आप अगर मानी चाहते हो, धन संपत्ति चाहते हो, तो उसके लिए परिश्रम करो, इफ़ यू वांट समथिंग वर्क फॉर इट। ये अच्छा लगा आज, मैं ना इससे भाई अच्छा करके पानी भी दे पाता, और इसके रूट में भी थोड़ा दे दूंगा अच्छा करके, पर ये पत्ता देखो भाई, ओ भाई साहब, ना बड़ा बड़ा है। और वो जो स्नेक प्लांट है ना, वो कुछ दिन बाद घर में रखूँगा, इसको थोड़ा सा पानी देते हैं अच्छा करके, रूट में थोड़ा अच्छा करके बाद में दे दूँगा शाम में। चलो, शाम ही तो हो रहा है, और मैं तो पूरा ऑर्गेनिक सब कुछ देता हूँ, बाहर का कोई सार नहीं देता, केले का छिलका का जल 4 दिन भिजाया हुआ देता हूँ, और सरसों का ये जो खोल होता है ना, ये जल में भिजाने के बाद बहुत सारा जल के साथ मिसाने के बाद देता हूँ, मतलब हल्का करके, और डीम का खोल। तो वहाँ पे देखो एक हनुमान आया है उसका बच्चा के साथ, नेक्स्ट लेवल लग रहा है वो, देखो मैं थोड़ा सा आवाज़ करता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं, इस तरफ से भी देखा जा रहा है, वो वहाँ पे है बहुत ही दूर, अदरवाइज मैं बहुत ही डरता। रुको, वो देखो कितना क्यूट है, उसका बच्चा भी है, और वो दोनों ना अभी देख रहा है, मैं थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, देख रहा है कि कौन है वहाँ पे, कौन, देखो माँ और उसका बच्चा है, दोनों है। थोड़ा सा आवाज करता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो देखो उसका बच्चा भी है वहाँ पे, कितने क्यूट भाई, इंसान का बच्चा के जैसे, वो देखो देखो कितने क्यूट है, उसका लीच कितना बड़ा है। चलो, तो हमने भाई घर से नारियल ले आया था ना, पापा ने पेड़ से तोड़ा था, इतना सुंदर भाई, दूध की जैसा मिष्टी है, एंड क्या बोलूँ, मतलब इतना स्वीट है टेस्ट, माखन के जैसे लग रहा है। तो कोड़ा पापा ने भाई बोटी से इसको छाला और एक दांत से छाला, तो अभी कोड़ रहा हूँ मैं और खा रहा हूँ, मम्मी ने मुझको डाक कर मस्त खवा दिया, फिर तो पापा बेसिकली खा ले रहा था, पापा बोल रहे हम तीनों ही पेटू खाई, ये है वो है, तो मस्त खा दो। चलो, मैं भी हट रहा था, ये देखो इतना अच्छे से बैठा है, हेलो, नहीं टच नहीं करूँगा, पोछा ही बोल सकते हो, पर घर में नहीं रह के बाहर रहता है खुला परिवेश में। अच्छा बिल्लू, और वो एक है, देखो कैसे देख रहा है, वो भी बेसिकली कुछ भी नहीं बोलता और गार्ड देता है, वो इसका मम्मी बहुत अच्छा था, तो मम्मी का बेटा है। तो क्या हुआ, लाइट देख के डग रहा है, मैं बेसिकली कुछ हट रहा था, दोनों भाई कुछ नहीं बोलता दोनों को, तो हाँ देखो, तो मैं कुछ हट रहा था, हटना रहा, अभी घर में जाते हैं, चल मेरा साथ ही। मम्मी ने बस नारियल देकर आज ताल का बड़ा बनाया है, मस्त खाऊंगा। तो चलो, तो मैं तो एडिट फेडिट कर रहा था, एक वीडियो एक्सपोर्ट किया, एक वीडियो अपलोड किया, तो अभी रात का 10 बज गया, अभी खाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मस्त ताल का बड़ा बनाया था मम्मी ने, और रोटी, और यहाँ पे अंडे आलू का कड़ी है, तो मस्त खा लेता हूँ। चलो, और इस खाने के बाद थोड़ा सा हटूंगा, उसके बाद एंड करता हूँ। चलो, तो 186 का एक आया है, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर, होपफुली मम्मी का कुछ और मुझे देना पड़ा। चलो, तो आज
सुबह का खाने में यहाँ पे मम्मी ने बस भात किया है, यहाँ पे है कोचू का घंटो चिंगड़ी देकर। कोचू को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, पर कोचू भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। गाँव से ले आया था, बहुत दिन से खा रहा हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है कोचू का जो डाटा होता है। और यहाँ पे चिंगड़ी का मलाई करी किया है, इसके अंदर जो नारियल होता है ना, नारियल कोर कर दिया है और मस्त एक चीज़ बनाया है। तो चलो मस्त खा लेता हूँ। मैंने बंगाली फूड्स आई लव ऑल ऑफ देम, क्योंकि बंगाली एक इमोशन है। आज दोपहर का खाने में मम्मी ने बस चिकन का मलाई कढ़ी बनाया है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट भाई, चिंगड़ी बोलते हैं बंगाली में। मेरे पे कोचू शाक किया है, गाँव से ले आया था ना, तो हाँ आज पापा ने मस्त ताल लाया था, तो देखो नेक्स्ट लेवल है ना। तो आज रात में मम्मी ने मस्त दूचा बनाया है, तो चलो मस्त खा लेता हूँ। ये मेरा, ये मम्मी का, ये पापा का, और मस्त बेकरी का ये बिस्कुट मेरा फेवरेट है, तो ये भी खाता हूँ। चल दो दो करके। मैं और भाई अभी बेगुनी खा रहे हैं, बेसिकली दादा का शॉप में आया था, और ये भी ओविजन छोंगू, एक वो जो प्रेसिडेंसी का जो फॉर्म फिलअप करना था तो ऑलरेडी डन। अभी भाई होपफुली 11:30 ना 10:30 बज रहा है, तो हाँ डन तो जाते हैं। चलो हंस खाते खाते। हेलो मैं, चलो अभी फंस गए डॉग्स के अंदर। वाओ इट्स टू मच ब्यूटीफुल। तो फिर से भाई डॉग्स के सामने आकर हमारा बाइक थम गया है, अभी डर लग रहा है बहुत ज्यादा। नाउ इस घर में जाने का समय है। तो आज बेसिकली गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज, आप सब भी जानते हो जियोलॉजी में एग्जाम दिया था, तो उसी का फॉर्म मतलब क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा है, काउंसलिंग कराने, तो 11 तारीख तक लास्ट था, तो या आज करने गया था, 11 तारीख तक लास्ट डेट है। तो जो भी हो, पहले भाई आप सब बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 नंबर रेल गेट के एक कार शॉप एक अंकल ने बोला था कि 9:30 बजे जाने के लिए, तो गया, उन्होंने बोला कि वो कहाँ पे एक जाएगा, तो नहीं हुआ, पोपट हो गया वहाँ पे। अंकल का बहुत प्रोये है, मतलब मुझे डाक कर नहीं हुआ। उसके बाद वो दादा का शॉप में फिर से गया, और दादा का शॉप में ही हुआ, क्योंकि यहाँ से पास ही में गया था फर्स्ट, और वो बहुत दूर है ना, तो अभी 11 बज रहा है। तो मस्त हो तो गया दादा भाई, इतना अच्छा है क्या बोलूँ, मतलब 500 रुपये पोर्टल में लेता है और दादा 100 रुपये लेता है, पर हमसे 90 रुपये दिया है, क्योंकि हम सब वहाँ पे करते हैं ना, सब जो जो होता है, तो उसी के लिए। तो मैं एंड कर देता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और मेरा मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम है, उसी लिए पापा का मोबाइल से वीडियो कर रहा हूँ। तो या रात का खाने में देखो, 2 रोटी मम्मी, मैंने बोला था, मम्मी ने एक मस्त पराठा भी दे दिया। बेसिकली रोटी 3 कोना करके मम्मी भाजता है व्हाइट तेल में, और यहाँ पे मस्त चिंगड़ी का कालिया जैसा बनाया है, तो और यहाँ पे कोचू है थोड़ा सा, मैं कोचू बहुत पसंद करता हूँ, कोचू का जो पाता होता है। तो आज तो खाते खाते मेरा दम ही घुट जाएगा। और डिजर्ट में है मस्त तालेड़ बोड़ा, मस्त खा ले। तो आज नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट हुआ है और बहुत ही यम्मी है। तो मेरा फ्रूट प्लांट में देखो भाई, कितना सारा फ्लावर हुआ है बारिश के अंदर, बहुत सारा। तो मैं पानी दे रहा था बेसिकली, तो स्प्रे करके दिया थोड़ा सा पत्ता टत्ता में, ऐसे करके हल्का करके। पर और जगह इस कुछ दिन बहुत नेक्स्ट लेवल बारिश हो रहा है, तो हाँ, और इसमें जो फ्लावर हो रहा है ना, क्या बोलूँ। तो चल इसको रिपोर्ट करूँगा 1-2 दिन के अंदर ही। প্রেসিডেন্সিতে মোটামুটি সবগুলোতে ভালো ভালো কলেজ। হ্যাঁ আমি করেছি স্যার জিওলজি ভূতত্ত্ববিদ্যা, ওতে ফিজিক্স ম্যাথ দুটোই আছে, আর বোটানিতেও একটা দুটোতে করে রেখেছি। এবার দেখা যাক যেটাতে হবে, এখনো সময়, 20 তারিখে আপনার রেজাল্টটা বেরোবে। তো স্যারকে সাথে মুলাকাত হওয়া তা, তো চলো। तो अभी एक पार्सल आया है बेसिकली पैंट का, मैंने 4 पैंट ऑर्डर दिया था 220 का, तो आया है। तो या तो बेसिकली
इसको ओपन कर लिया और मैंने डिस्काउंट में पाया था, उसी लिए खरीद लिया। मैंने 4 पैंट्स 220 का, मतलब 1 पैंट 60 रुपी करके, होपफुली। पर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, मीशो से ऑर्डर किया था तो। या चल, तो ऐसा कुछ आया है, क्वालिटी भाई अच्छा है। पापा बोल रहे कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, पर मुझे तो अच्छा ही लगा। तो चलो, तो आज मस्त कुमड़ों का छौंका और मस्त मेरे लिए मम्मी ने मछली का कारी बनाकर दिया है, तो खा लेता हूँ। चलो, और बाहर ना हमारे स्कूल का शुभी सर से कुछ देर बात कर रहा था। तो शुभी सर पूछ रहा था कि कौन सा कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, बेसिकली सभी पूछ रहा है। मैंने भी इसके बोला से अप्लाई किया, अभी निकलेगा 20 तारीख में रिजल्ट, प्रेसिडेंसी, आशुतोष, जो जो बिग बिग कॉलेज है, उसके बाद बादशाह गवर्नमेंट, सब में किया, अभी देखते हैं क्या होगा। तो या सर को यही बोला, तो या और इसका क्वालिटी तो अच्छा हुआ। शुभी सर बेसिकली हमारा टैरागोनी स्कूल का गाना टाना सिखाता था सर, तो उसी का सर है, राम दादा को बेसिकली सिखा रहा था, आया था, तो उसी ने मुझे मेरे साथ बातचीत कर रहा था। तो हाँ, सर को जब देखते हो ना, पुराना सब याद ताज़ा हो जाता है। तो या तो मेरे अनार का पेड़ में कुछ दिन पहले एक अनार तोला था ना, ऐसे तो देखो एक नेक्स्ट लेवल फ्लावर हुआ है, ये देखो। मुझे लग रहा है कि फीमेल फ्लावर है, मम्मी ने इसे ढक दिया था। चलो अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा ही होता है, पर पट जाता है बार बार, पर ये ना मुझे लग रहा है फीमेल फ्लावर है। तो या देखो, ये देखते हैं होता है कि नहीं, पर बहुत ही बड़ा है। चलो इसको ढक देते हैं। तो आज खाने में बहुत कुछ ही है, भात और मछली का झोल। और यहाँ पे ने पापा ने बाहर गया था ऑफिस में, तो आने के समय मस्त मटन लेकर आया है मेरे लिए, 3 पीस, तो 2 पीस अभी खाता हूँ। चलो मस्त करके खा लेता हूँ, ऐसा हो तो और क्या चाहिए भाई, बंगाली खाना। तो हाँ, तो अभी बेसिकली शाम का समय है। वो देखो बिल्लू क्या कर रहा है, आज हाथ नाक में मैंने उसको पकड़ लिया, मतलब इतना अच्छे से खाने टाने देता हूँ। थोड़ा देर पहले जाकर चिंगड़ी देकर आया, चिंगड़ी का खो था। तो देखो अभी वो जो बाइक को छिल रहा है, और ये फ्लावर देखो कितना सुंदर लग रहा है, खिला है, बुके के जैसा लग रहा है। तो हाँ, इसके नीचे देखो, वाओ, और वो मैंने उस तरफ कट दिया था। तो हाँ, तो मैंने और मम्मी जाकर ना इसके लिए एक टॉप खरीद के लाया था, ये वाला बड़ा है थोड़ा सा, तो होपफुली रिपोर्ट करूँगा कुछ दिन बाद। मैं और मम्मी जाके ये OTG ख़रीदा था स्कूल के पास से, एक शॉप से, उसके बाद ये वाला टॉप का शॉप में जाकर ख़रीदा, जहाँ से ख़रीदता हूँ, उसके बाद शाइनी में जाकर एक पैटिस खाया, चिकन पैटिस, उसके बाद मम्मी ने रोल खाकर उसके बाद घर में आया था उस दिन। तो बहुत मज़ा किया था, वीडियो नहीं किया था उस दिन। तो यार फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं अभी WBCAP में एडमिशन पोर्टल में हमारा वेस्ट बंगाल का मॉप राउंड में बैठा था, तो आप सबसे शेयर करता हूँ मैंने क्या क्या रैंक में लाया था। क्योंकि फर्स्ट मैंने जो कॉलेज पाया था बादशाह कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में, मैंने वो एडमिशन कैंसिल कर दिया था क्योंकि मेरा इच्छा नहीं है। उसके बाद मैंने ये जो मॉप अप राउंड में मैंने किया था जियोलॉजी इन आशुतोष कॉलेज, उसके बाद सेकेंड रखा था बादशाह गवर्नमेंट कॉलेज में बोटानी, गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में बोटानी, दीनबंधु नगर हमारा बोनगन कॉलेज में बोटानी, और उसके बाद मैंने रखा आशुतोष कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और सुरेंद्रनाथ कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मुझे ना ये जियोलॉजी, भूतत्वविद, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद बोटानी में, तो उसी लिए रखा। और इस तरफ कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और 11th 12th में नहीं भी था, तो हो जाएगा, तो ये सब नहीं हो तो उसमें का। तो ये मेरे लिए सब सबसे शेयर करना था। आज गाइस रात का खाने में बहुत भूख लगा, यहाँ पे मस्त बैगन भाजा है, यहाँ पे पटल आलू मछली का एक करी है, यहाँ पे 3 रोटी और मस्त प्याज दिया है, मस्त खा लेता हूँ। चलो रे